हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके सभी सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस बता चुके हैं कि नए पैटर्न के हिसाब से आपका क्या सिलेबस होने वाला है। एंड सिलेबस के बाद हम आपका एक एक चैप्टर करके, एक एक यूनिट करके पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं कि आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है, पढ़ने के लिए उसमें जो आपका कंटेंट है वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा कुछ अब हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने आपका बीए फर्स्ट ईयर का जो था, प्रथम सेमेस्टर का जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति शास्त्र है, इसका पूरा जो सिलेबस है कि इसमें आपके 8 यूनिट्स हैं, एक एक यूनिट्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 1, प्रथम सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के। नया बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है 2023, और उसके बाद आपका आने वाले जो नेक्स्ट ईयर्स हैं उसमें भी ये चीजें होने वाली, क्योंकि एक बार आपका चेंज हो गया है जो एजुकेशन सिस्टम है, तो ये अब कम से कम 10 साल तो चलने ही वाला है, तो ये सारी चीजें आपके लिए भी अवेलेबल है अगर आप इसको बाद में देख रहे हैं तो भी। तो यूनिट नंबर 1 आज हम शुरू कर रहे हैं आपका, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 का नाम है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म, इसकी वृद्धि और इसकी राजनीतिक प्रवृत्ति क्या है राष्ट्रीय आंदोलन की, इन टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर राष्ट्रीय आंदोलन होता क्या है। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो या दुनिया का राष्ट्रीय आंदोलन हो, आखिर राष्ट्रीय आंदोलन क्या होता है, सबसे पहले यह समझना है। तो देखो, राष्ट्रीय आंदोलन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि अगर हम शब्द से समझें, जैसे शब्द है यह राष्ट्रीय आंदोलन, तो अगर हम इसके शब्द वाइज इन एक एक शब्दों का अर्थ समझें कि यह राष्ट्रीय आंदोलन शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है राष्ट्र का या फिर राष्ट्र के लिए आंदोलन। मतलब राष्ट्र का आंदोलन, कि पूरे राष्ट्र का कोई आंदोलन हो, या राष्ट्र के भलाई के लिए, राष्ट्र की अच्छाई के लिए जो आंदोलन किया जाए, ऐसे आंदोलन को कहते हैं हम क्या, राष्ट्रीय आंदोलन। अब यह क्या होता है कि यह देशवासियों के द्वारा राष्ट्र हित में चलाया गया आंदोलन होता है। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन क्या है कि देशवासियों के द्वारा, देश के लोगों के द्वारा, अपने देश के, अपने राष्ट्र के हित के लिए, अपने राष्ट्र की भलाई के लिए, अपने राष्ट्र को उन्नत कराने के लिए, अपने राष्ट्र में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, जो बुराइयां हैं, उनके खिलाफ किया गया आंदोलन जो देश को आगे लेकर के जाए, ऐसे आंदोलन को कहते हैं हम राष्ट्रीय आंदोलन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडिया का जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ अपने देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों ने हमारे देश पर जो शासन किया, अब अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराने के लिए हमारे देश के जो तमाम सारे महान वीर थे, तमाम सारे लीडर्स थे, नेता थे, उनकी अगुवाई में हमारे देश ने क्या किया, देश के लोगों ने मिल करके भारत को आजाद कराने के लिए आंदोलन किया। तो एक देश को, एक राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, एक राष्ट्र में जो प्रॉब्लम्स थी, जो गुलामी की समस्या थी, उस समस्या से बाहर निकालने के लिए पूरे देश के लोगों ने अपने देश के हित के लिए काम किया, हित के लिए उन्होंने जो आंदोलन किया, तो वो आंदोलन क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन कहलाएगा। और जो छोटे से हिस्से में कोई आंदोलन किया जाए या छोटे से पार्ट में आंदोलन किया जाता है, तो उसको अलग अलग आंदोलन के नाम दे दिया जाता है, जिस भी समस्या को लेकर के वो आंदोलन किया जाता है। लेकिन कोई आंदोलन जो पूरे राष्ट्र के लिए किया जाए, पूरे देश के लिए किया जाए, और पूरे देश के लोग कहीं ना कहीं उस चीज में शामिल हो, तो वो आंदोलन कहलाता है राष्ट्रीय आंदोलन। मतलब जिसका उद्देश्य हो कि हाँ, इससे मेरे राष्ट्र की भलाई करनी है या राष्ट्र को एक नया आयाम देना है, तो वो कहलाता है राष्ट्रीय आंदोलन। अब इस पर अपना विचार रखते हुए ब्राइस महोदय कहते हैं कि राष्ट्र शब्द जो है वो एक राष्ट्रीयता है। राष्ट्र क्या है, एक नेशनलिटी प्रेजेंट करता है, जिसमें अपना संगठन एक राजनीतिक संस्था के रूप में कर दिया है। मतलब राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता क्या है या राष्ट्र क्या है, कि राष्ट्र एक ऐसा संगठन है जो कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संस्था के रूप में काम कर रहा होता है, जो स्वाधीन या स्वाधीनता का इच्छुक होता है। यानी कि एक राज्य जो है, एक देश है, क्या है, वो स्वाधीनता का इच्छुक होता है। मतलब स्वाधीनता मतलब क्या, कि हमारी अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, यानी कि हमारे जो अधिकार है वो किसी और पर डिपेंडेंट ना हो, यानी कि हमारे जो अधिकार है वो हमारे हो, यानी कि हम जो करना चाहते हैं या हमारी जो कर्तव्य है या हमारी जो ड्यूटीज है, हमारे जो अधिकार है, जो हमारे पावर्स है, वो हमारे अपने हो, वो किसी और के उधार लिए हुए ना हो, या फिर कोई हम और दूसरा हम पर रूल ना कर रहा हो। मतलब जो भी अधिकार है, जो भी नियम कानून, जो भी चीजें हमारी है, वो हमारी खुद की होनी चाहिए। मतलब कि वो स्वाधीन होना चाहिए, स्वाधीनता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो एक राष्ट्र क्या होता है, वो स्वाधीनता का इच्छुक होता है। तो अर्थात इससे कह सकते हैं कि स्वाधीनता के लिए संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन का मौलिक उद्देश्य है। यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन होता है, जो कंट्री लेवल पर आंदोलन होता है, वो क्या होता है कि स्वाधीनता के लिए, कि अपनी आजादी के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए, अपने शासन के लिए, खुद के नियम कानून के लिए, उसके लिए जो संघर्ष किया जाए, जो राष्ट्र के लेवल पर संघर्ष किया जाए, वो संघर्ष कहलाता है राष्ट्रीय आंदोलन। ऐसा किसका मानना था, ब्राइस महोदय का मानना था। और आधुनिक जो प्रचलन है, मॉडर्न टाइम में देखा जाए, तो इस अर्थ में राष्ट्रीय आंदोलन का जो अर्थ है,
ये विदेशी सत्ता से मुक्ति के लिए गुलाम उपनिवेशों द्वारा वर्षों तक संचालित संघर्ष, यानी कि अगर आज के टाइम पीरियड में देखा जाए या फिर 1947 के पहले के बारे में देखा जाए तो यह क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ यह है कि हमारे राष्ट्र पर किसी विदेशी सत्ता ने अधिकार कर लिया है, तो उससे जो गुलाम है हम उस गुलामी से बाहर निकलने के लिए जो हम लगातार कई सारे वर्षों तक शासन के विरुद्ध क्या करते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, तो वो राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है। तो ये तो बेसिकली था कि राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन को विद्वानों ने किस तरीके से वेरीफाई किया हुआ है, बताया हुआ है कि हाँ ये राष्ट्रीय आंदोलन इस तरीके से हो सकता है। अब आइए बात करते हैं आगे राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के, कि भारत का जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन रहा तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषता क्या रही। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन मतलब कि भारत को आजाद कराने के लिए जो आंदोलन किए गए, वो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन की क्या विशेषताएं रही है। तो सबसे पहली जो विशेषता राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात किया गया है भारत में, वो है लंबी अवधि, यानी कि भारत को आजाद कराने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन किया गया उसकी एक लंबी अवधि थी। आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से ही स्टार्ट हो गया था आंदोलन, और ये कब तक चलता रहा, 1947 तक, यानी कि लगभग 90 से 100 सालों तक ये आंदोलन लगातार चलता रहा। तो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा यह आंदोलन क्या था, एक ऐसा आंदोलन जिसकी एक लंबी टाइम पीरियड चलती रही, एक लंबी अवधि तक यह आंदोलन चलता रहा। दूसरी चीज थी इसकी विशेषता कि शांतिपूर्ण तथा क्रांतिकारी, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा है इसके नेतृत्व में कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत को शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए ज्यादा उत्सुक किया, जैसे महात्मा गांधी का नाम आता है इसमें कि जो भी हमको आंदोलन करना है वो क्या होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा केवल शांतिपूर्ण आंदोलन ही रहा, बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा उग्रता भी देखी होगी, लूटपाट भी देखा होगा, या और भी तरीके से मतलब जो है वो क्रांतिकारी रूप भी बाद में जाकर के लिया था आंदोलन ने। तो भारत का जो आंदोलन रहा ये काफी हद तक शांतिपूर्ण आंदोलन भी रहा था और क्रांतिकारी आंदोलन भी रहा था, मतलब इसमें दोनों ही एस्पेक्ट देखने को मिले थे। तीसरी चीज है आपका संवैधानिक विकास, यानी कि भारत का जो आंदोलन रहा 1857 से स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं वो संवैधानिक मतलब कि एक नेता के नेतृत्व में, जैसे कि कुछ जो भी आंदोलन किया गया उसमें किसी ना किसी ने लीडरशिप दिखाई थी और उस लीडरशिप के नेतृत्व में ही वो आंदोलन किया गया। तो एक जो था संवैधानिक दायरे में रह करके, यानी कि लोगों के द्वारा एक पूरे अच्छे तरीके से यहां कौन सी चीजें कहां पर होंगी, किस तरीके से करना है, मतलब एक शेड्यूल्ड में वो चीजें हुई। अगला है कि सामाजिक और आर्थिक आंदोलन भी रहा भारत का आंदोलन, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा वो केवल राजनीतिक पक्ष ही नहीं था इसका कि हाँ बस ये केवल राजनीति के लिए किया जाता है, नहीं, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा इसमें कई सारी चीजें सम्मिलित थी। इसमें जो हमारे सामाजिक कुरीतियां थी, समाज में कुछ बुराइयां थी, उनके खिलाफ भी आंदोलन किया गया। यानी कि जो ये आंदोलन जो हमारा था राष्ट्रीय आंदोलन, ये केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी था, आर्थिक आंदोलन भी था, कि मतलब कि जैसे कि आप देखोगे कि भारत के जो सैनिक थे या जो भी लोग भारत से अंग्रेजों की जो कंपनियां थी उनमें जो नौकरी करते थे उनमें सैलरी जो थी, जो इंडियंस थे उनकी सैलरी बहुत कम दी जाती थी और जो ब्रिटेन से थे उनकी सैलरी ज्यादा दी जाती थी। तो आर्थिक स्थिति को लेकर के भी आंदोलन किया गया था। तो भारत का जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन रहा यह केवल केवल राजनीति आंदोलन नहीं था बल्कि एक ऐसा आंदोलन था कि इसमें सामाजिक मुद्दों पर भी आंदोलन किया गया था, आर्थिक चीजों को लेकर के भी इसमें आंदोलन किया गया था। अगली चीज बताया गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन का संदेहात्मक रूप, यानी कि कई सारे विद्वान ये मानते हैं कि भारत का जो आंदोलन हुआ था वो राष्ट्रीय आंदोलन था ही नहीं, और इसके पीछे उन्होंने लॉजिक ये दिया हुआ है कि जब भारत में ये आंदोलन हुआ तो ये जो आंदोलन था ये पूरे भारत में नहीं हुआ, मतलब भारत एक राष्ट्र के रूप में नहीं था उस समय, उसमें भारत छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बटा हुआ था। आप देखोगे कि भारत उस समय भारत नहीं था बल्कि छोटे छोटे पार्ट्स में कुछ राजाओं के द्वारा वो चीज कब्जा करके, तो भारत क्या था, एक संपूर्ण एक अखंड रूप में नहीं था। तो इसलिए माना गया है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन ये भारत का जो आंदोलन है ये राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहा जा सकता, इसको ये कुछ प्रांतीय आंदोलन कहा जा सकता है इसको। तो राष्ट्रीय आंदोलन होने पर भी संदेह व्यक्त किया गया है, ये भी एक विशेषता के तौर पर ले सकते हैं। अगला चीज है फिफ्थ नंबर का कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा यह विश्वव्यापी रूप ले लिया, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा या भारत को आजाद कराने के लिए जो आंदोलन किया गया वो केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, कि वो भारत तक ही सीमित रहा बल्कि भारत में जब आंदोलन किया गया और उससे जब चीजें अच्छी होनी स्टार्ट हुई या अंग्रेजों पर उससे दबाव बनना स्टार्ट हुआ तो इस चीज से प्रेरणा लेकर के भारत के जो और भी देश थे, चाहे साउथ अफ्रीका रहा हो, अलग अलग कंट्रीज जिन पे इंग्लिश उपनिवेशों ने कब्जा कर रखा था, उन्होंने भी क्या किया कि उनके खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, उनके अंदर भी आजादी को लेकर के, स्वाधीनता को लेकर के इच्छाएं उमड़ गई। तो भारतीय नेताओं का जो प्रभाव रहा वो केवल इंडिया पर नहीं बल्कि विश्वव्यापी हो गया।
तो इस तरीके से ये सारी चीजें थी जो है विश्वव्यापी रूप लेकर के, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषताएं। तो ये सारी विशेषताएं कहीं ना आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ, इसकी विशेषताएं क्या है, तो इन सभी चीजों पर हमने डिस्कस किया। अब आगे वाली वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, इसके और भी पार्ट्स हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्टार्ट होने के पीछे या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वजूद में आने के पीछे जिस चीज का हाथ था वो क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, भारत में धीरे धीरे अपनी कंपनी स्टेब्लिश करती है, फिर भारत में धीरे धीरे वो कब्जा करना स्टार्ट करती है और एक कंपनी से वो पूरी पूरी देश को कब्जा करने लगती है। तो वो पूरा प्रोसेस क्या रहता है, कैसे रहता है, वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो प्लीज जो लोग भी इस वीडियो में अभी तक रुके हुए या अभी तक पहली बार आए हुए इस वीडियो में, एक बार जाकर के चैनल में विजिट करके देखो। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड आने वाली वीडियोज को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए, शेयर टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनको भी अपनी पढ़ाई में और भी अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से वो चीजों को समझ पाए कि क्या कॉन्सेप्ट है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन भी आप इजिली एंसर कर पाओगे। ओके मेरे दोस्त, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि और भी ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।